दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता माँ और बच्चों का देखने को मिलता है, लेकिन एक कलयुगी माँ ने माँ और बच्चों के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कलयुगी माँ ने अस्पताल के शौच गृह में बच्ची को जन्म दिया, उसके बाद उसे छोड़कर भाग गई। ये मामला छतरपुर जिला अस्पताल का है, जहां बीती शाम अस्पताल के शौच गृह में एक महिला ने नवजात बच्ची को जन्म दिया, उसके बाद वो मौके से गायब हो गई। नवजात के रोने की आवाज जैसे ही सफाई कर्मी ने सुनी तो वहां मौके पर पहुंचा और उसने डॉक्टरों को सूचित किया। तुरंत उसे SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची 1 किलो की है, जो कि करीब 7 माह की होगी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में मां की तलाश कर रही है। जी, अभी मेरे पास जो सूचना आई है, उस दिन ड्यूटी में मैं ही था। कल शाम को 6:40 के आसपास एक अज्ञात नवजात बच्ची को SNCU में भर्ती किया गया, जो कि हमारे यहाँ जो वार्ड आया है, जो लेबर रूम में पदस्थ है, उनको वहीं के लेबर रूम के बाथरूम में ही वो बच्ची पड़ी हुई मिली थी। और वो 6:30 के आसपास शाम को वो बच्ची उनको मिली, राजकुमारी वार्ड आया को, और उन्होंने SNCU में 6:40 पे भर्ती कराया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।